जय जोहार संगवारी हो, हमर बीच छत्तीसगढ़ की जबरदस्त बहुत ही छत्तीसगढ़ सुंदरी के नाम से मशहूर है और इनका जो बहुत सारा पिक्चर में हिट हुए हैं और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं और चेहरे में उनका तिल है वो एक सौभाग्यशाली का प्रतीक है फॉर्चुनेट का। और हमारे लखनपुर में जनपद पंचायत लखनपुर में इतना बड़ा कलाकारों का आना और खासकर बेलदगी जैसे लखनपुर के आसपास गांवों में पिक्चर बन रहा है, देख झम फंस जावे पिक्चर का टाइटल है और सब फंस जाइएगा बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। नया साल 2022 में जरूर रिलीज होगा और स्थानीय लोग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट योगदान रहा है देख झम फंस जावे। हमारे सरगुजा अंचल में फिल्म फिल्माया जा रहा है और रायपुर से लेकर मुंबई से मझे हुए कलाकार, बहुत दिग्गज कलाकार, पहुँचे हुए कलाकार, श्रेष्ठ क्रम के जो कलाकार हैं, आर्टिस्ट, जो टेक्निकल टेक्नीशियन, वो सभी पूरी तरह से रम करके पूरा एक लगातार तकरीबन 60 से 70 दिन तक आसपास से पिक्चर चला अंतिम पड़ाव की ओर। तो काजल पांडे जी से एक बार इंटरव्यू हो चुका है और दूसरा इंटरव्यू इनसे मिल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं और मैं इनका जो अभिनय कर रहे थे उनसे भी काफ़ी प्रभावित हूँ। सभी कलाकार बहुत प्रभावित हैं इनसे, सभी एक परिवार की तरह हंस मिल करके एक बहुत ही मजे हुए कलाकार अंदाज से करते हैं। तो वेलकम, स्वागत उन्हीं का जुबानी में पूरा स्टोरी और किस तरीके से और इनका जो एक बार फिर से थोड़ा सा जानना चाहेंगे पिक्चर कैसे लग रहा है, इनका जो करियर, जो इनका लाइफ स्टाइल है, जैसे बचपन से किस तरह पिक्चर में आए और कितना पिक्चर कर चुके हैं और आज जो पिक्चर बना रहे हैं उसमें क्या लग रहा है, तीन चार काम में बताएंगे। वेलकम काजल पांडे जी। मैंने ये बताना चाहता हूँ कि देख झल फंस जावे तो काफ़ी अच्छा बैनर है। सबसे पहले तो मैं कसरे देना चाहूँ अपने डायरेक्टर दुर्गा पानी गृह जिला जो कि मोला पिक्चर में उमदा कलाकार के रूप में बुलाई, इससे मोला एक कैरेक्टर लगी जो कि एक नटखट लड़की के कैरेक्टर है। वो कैरेक्टर ऐसे है कि मोर हीरो से मोर नहीं पटता था, मतलब कि मैं जबरदस्ती नहीं पटा रहा और मोला पसंद रखे हो हाँ, पर ऑन फ्रेम में हाँ नहीं बताता हूँ कि मुझे तो उससे प्यार है। बाकी मूवी में तो मोर कैरेक्टर कैसे कुछ बता नहीं सकूँ, अपन पिक्चर ला देखूँ और देख के बताऊँ कि देख जो फंस जाए देखे के लाइक है कि देखे के लाइक नहीं है, फंसे के लाइक है कि फंसे के लाइक नहीं। तो हीरो जब पटा रहे थे आपको तो कैसे लगा, मतलब पट गए कि नहीं पटे हैं? नहीं, पहले तो ये बताता हूँ कि मैं पूरा पिक्चर तक नहीं पटा, गाना पट गया। अच्छा, तो दर्शक लोग भी चाहते हैं कि भाई जब भी अपना रियल स्टोरी में जब पिक्चर देखते रहते हैं अपने आप को भी देखते हैं। तो वास्तव में काजल जी जो कि हमारे लखनपुर क्षेत्र में छोटा सा शहर है, सरगुजा अंचल, बहुत ही खूबसूरत नवाजा गया है प्राकृतिक रूप से, अच्छा अच्छा जगह पर्यटन जगह है और आप लोग का सभी का बहुत बड़ा मिला जुला योगदान रहा और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि मुंबई जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आपका नाम हो। तो कहना चाहिए आप बहुत ही संघर्ष किए और पहला हिट पिक्चर आपका कौन सा रहा और कितना तो पिक्चर बना? पिक्चर तो ये मेरी तीसरी है, रिलीज तो नहीं हुई है, अब देखते हैं कब तक रिलीज होती है। अच्छा अच्छा। बाकी प्रोफेशनली बोला जाए तो मैं कोरियोग्राफर भी रह चुकी हूँ, टैलेंट की स्टूडेंट हूँ, कंटेम्पररी करती हूँ मैं फॉर्म और सरोज खान की भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल। और मेरे को एक्टिंग के लिए कहा जाए तो गुरुबल दादा ही लाए हैं समझो, और मेरे घर में एक्चुअली मुझे सपोर्ट नहीं था बट गुरुबल दादा का ट्रस्ट देख के मेरे घर वाले फुल सपोर्ट किए और मुझे यहाँ तक भेजे, बस मैं ये श्रेय उनको ही देना चाहूँगी, थैंक यू सो मच बीरबल दादा की मुझे यहाँ तक लाने। बीरबल दादा जैसे अगर हजार लोग अगर भारत में आ जाए तो पूरा हिंदुस्तान की लड़की जो दबे हुए हैं उनको भी आने उभरने का मौका मिलेगा और अच्छा अच्छा कलाकार बहुत ही खूबसूरत लोग इंडिया में हैं, वो आगे जा सकते हैं, एक अलग मंच मिल सकता है। काजल जी, तो ये जानना चाहूँगा कि भाई जो गांव के जो हीरोइन है चाहे कोई लोग जो देखेंगे पिक्चर वो लोग भी हीरोइन बनना चाहते हैं फ्यूचर में, चाहे ये पिक्चर को देखेंगे तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि मैं तो आप मान लो खुद ही बता रहे हैं कि जे मैंने एक्टिंग करना चाहा थे कि मतलब बरोबर एक्टिंग करन दो, पर घर के दाई दादा मन मतलब छोड़ दो एक्टिंग करना बुरा नहीं हो, जगह अंदर कला है कला ला निखारो आगे बढ़े के मौका दो, बस सबकी खाना चाहो एक ज़्यादा खुश नहीं खबर की हमारे छत्तीसगढ़ में कलाकार भरे पड़े हैं जे मतलब अपन कलाकारी देखने का मौका नहीं मिलता है और हर कोई ला बिरबल दादा का डायरेक्टर भी नहीं मिल पाया जो एक जुबानी कहे के बाद, जैसे कि वो दिन के बाद है हम उनके डांस परफॉर्मेंस होते रहे पंडाल में, दुर्गा पंडाल में वो कहीं जाके चार पांच जन लड़का मन जो डांस कर डांसर मन घिरी थी कि आप मतलब मैं मौका दूँ और कले कह रही सब आज मतलब मौका दे दी, इतना डायरेक्टर भी नहीं मिला तब
बाद में दादा ला मतलब से गिर गया था। और रही बात एक्टिंग की तो अपन अपन लोगन लेखा मतलब आगे बढ़ने मौका दो जगह से आप मतलब वो मतलब देख के गर्व महसूस हो कि आपके छत्तीसगढ़ आगे बढ़ाए पर आपके घरे में लेकर मन बैठी है कि आप मन के छत्तीसगढ़ में का कलाकारी होते हैं। बीरबल दादा के बारे में बात करूँ तो 350 से ज़्यादा पिक्चर बना चुके हैं और जैसे मुंबई से भी राजेश खन्ना बड़ा बड़ा जो निर्देशक हैं डायरेक्टर हैं वहाँ के मजे हुए कलाकार जो कि बॉलीवुड के उनसे भी काफ़ी अनुभव रहे हैं उनके साथी रहे हैं काफ़ी तगड़ा निर्देशित करते हैं जो भी निर्देशित करते हैं पिक्चर बिल्कुल चमकता है। और हमारे सरगुजा अंचल के खासकर लखनपुर में पहली दफ़ा इतना बड़ा बजट के पिक्चर बन रहा है। स्थानीय लोग और जगह के बारे में बताइए। स्थानीय लोग अगर बोला तो काफ़ी सपोर्टिव हैं और काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप ही के बारे में बोलता हूँ पराठा लाड़ी से खाए बने कुछ मिला तेरी खाए बनता अपन हाथ ले टमाटर के फटका बना के लाड़ी से वो विनय कुमार शुक्ला से सर स्पेशल आपको जयसवाल सर के बात जयसवाल सर के बात किया जाए तो जयसवाल सर भी खाए बलाड़ी से हमारे प्रोड्यूसर दुष्यंत सर जो कि व्यवहार के बहुत धनी हैं और बहुत अच्छा इंसान है मतलब जगह साथ काम करके इतना अच्छा महसूस हो इसके आप मतलब लगा नहीं सको खाए पी के कोई कमी नहीं। एक बार दुष्यंत सर ने बोल दो कि सर मिक्सर चाहिए तो पूरा कूड़ा ले आते थे ऐसे हमारे सर मतलब ऐसा प्रोड्यूसर भी बहुत कम मिलते वरना चिड़चिड़ा ज़्यादा मिलते और जयसवाल सर जगह यहाँ हम रुके हैं तो कोई प्रकार की कमी नहीं महसूस होता है। पिज्ज़ा बर्गर सब खाए हैं हम गाँव में रह के और सब प्रकार की सुविधा मिली से यहाँ की सपोर्ट यहाँ नेचर इतना अच्छा नेचर है कि आप मन देख सका तो मूवी में देखे हो कि वातावरण यहाँ पे कैसे है एकदम शुद्ध हवा शुद्ध वायु झरना पानी पेड़ पौधा बाकी आप मन मूवी में देखे करिए। छत्तीसगढ़ में खासकर सरगुजा में बहुत ठंडा पड़ता है काजल जी लेकिन आप तो बिल्कुल ओपन में दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल मैं कहा करो हीरोइन मतलब देशना पाई नहीं देशना पाई तो ठंड तो